हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, इस कोरोना के टाइम पर जितना हो सके आप घर पर रहें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेंगे। कोई इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलर टैक्स शेयर के बारे में, जिसका भी प्राइस चल रहा है 93। आप देखोगे कि फ्राइडे के दिन मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला, बट ये स्टॉक ने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई पर ब्रेक किया। और दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कोई भी स्टॉक शेयर सर्च करना चाहते हैं कि वो मैंने कभी रिकमेंड किया है या नहीं किया, किस रेट पे किया, तो आप मेरे यहाँ टेलीग्राम चैनल पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ जो ये सर्च बार होता है, यहाँ सर्च बार कीजिए, यहाँ पर आपको आएगा और आप स्टॉक का नाम डाल दीजिए। तो देखिए, जाए यहाँ पर मैंने फिलर टेक्स्ट डाला, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, मैंने आपको ये यहाँ पर 18 दिसंबर 2020 को भी दिया था, जब इसका प्राइस 43 के रेंज में था। और देखिए, तब से ये वापस प्राइस नहीं आया। और उस टाइम मेरे ये टारगेट थे 51 और 68, ये कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव हो गए थे। आप देख सकते हैं, ये 18 दिसंबर को दिया था और ये टारगेट यहाँ पर आए थे। ये देखिए, टारगेट हमारे 6 जनवरी को दोनों ही टारगेट आ गए थे, 65, बहुत टारगेट डन। तो अभी आपने देखा कि, और अभी आप, मैंने फ्राइडे को भी ये कॉल दिया दोबारा फिर से, और लास्ट फ्राइडे आप देखोगे कि ये देखिए, अप्रैल 30 को मैंने ये यहाँ पर एज ए BTST और शॉर्ट टर्म के लिए आपको दिए 90 और 93 के लेवल पर, जब इसका प्राइस 92 के पास चल रहा था। और ये जो टारगेट आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट 100 का, ये BTST का टारगेट है, और ये 120 शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है। अब दोस्तों, इसके मैं आपको बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर करता हूँ कि क्यों स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, और जब मैंने आपको नीचे भी रिकमेंड किया था तभी क्या रीजन था। उससे पहले आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हो। ये फ्री का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर सर्च बार में आप लिखिए ट्रेडर विशाल शर्मा और ज्वाइन पर क्लिक कर लीजिए। दूसरा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं, तभी आपको अच्छे से समझाएगा। इसका देखिए मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, और ये कंपनी देखिए मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, मैन्युफैक्चरिंग वो पॉलिस्टर, चिप्स, नाइलॉन, मल्टी नोनो, फिलामेंट, यार्न एंड नैरो फैब्रिक्स। अब जो मैं आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए कि कंपनी ने अपना रिड्यूस डेप्ट डेप्ट भी कम किया है, और डिलीवर ए गुड प्रॉफिट 49.5 CAGR फॉर लास्ट ईयर। लास्ट के 5 ईयर्स में उन्होंने बढ़िया यहाँ पर फोर ऑलमोस्ट 50% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ किया है। और आप प्रॉफिट यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये देखिए प्रॉफिट कैसे एवरी ईयर इनका कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। 10 से 26 करोड़ हुआ, 41 करोड़, 60, 85, 121, और अब 2000 मार्च 2021 में 166 करोड़। और डेप्ट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर बोरिंग भी कम की है, पहले जो मार्च 2020 में देखिए 720 थी, और अब ये मार्च 2021 में 551, 551 करोड़ का डेप्ट है। अब जो मेन इसके पीछे दोस्तों लॉजिक है बाय करने का, आप देखिए कि सितंबर मंथ में इन्होंने हल्की सी यहाँ पर अपनी जो प्रमोटर है, कंपनी के मालिक है, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया था। पहले 60.46 था, और सितंबर के क्वार्टर में देखिए 60.47 हो गया। और ये देखिए, दिसंबर के क्वार्टर ने कंपनी ने के मालिक जो प्रमोटर है, उन्होंने काफी यहाँ पर स्टेक इंक्रीज किया था। यही वजह थी कि मैंने आपको जब 40 के प्राइस पर आपको रिकमेंड किया था, तब यहाँ पर एक मेन रीजन ये था कि कंपनी के मालिक वहां पर दबाकर मोटी क्वांटिटी में अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे थे। तो आप देखिए कि 60 से 65 हो गया, तो उन्होंने ये देखिए दिसंबर वाले क्वार्टर में 5% अपना स्टेक इंक्रीज किया। 5% बहुत काफी बड़ा स्टेक इंक्रीज होता है दोस्तों। तो उस टाइम रीजन यही था 40 के प्राइस पर रिकमेंड करने का, क्योंकि वहां पर मैंने डाटा देख लिया था कि ये कंपनी के प्रमोटर यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे आने वाले रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो इसलिए वो अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे थे। और प्राइस भी उस टाइम उनका मार्केट के कारण काफी नीचे था, क्योंकि मार्केट में फॉल था, तो इस करके उनका स्टॉक का प्राइस नीचे था, तो उनको
लगा कि वो बढ़िया प्राइस है वहाँ बाय करने के लिए और उनके रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने 5% अपना स्टेक इंक्रीज किया। और देखिए डीआईजी भी यहाँ पर 4.50 के स्टेक से यहाँ पर बैठे हुए हैं और पब्लिक के पास सिर्फ 30% है। तो पहला तो अपने रीजन देखा कि कंपनी के प्रमोटर ने 5% स्टेक इंक्रीज किया। दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि देखिए जो अब द्वारा फ्रेश इसमें बाइंग आई है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है। आप देखोगे यहाँ पर जो ये बड़े इन्वेस्टर हैं, इन्होंने देखिए 29 अप्रैल को 20 लाख क्वांटिटी बाई की है 81.54 पर, और 30 अप्रैल को भी देखिए फिर से बाइंग किया 92.74। फ्राइडे को फिर से देखिए यहाँ पर 12 लाख की किसी दूसरे इन्वेस्टर ने बाइंग की है। और दोस्तों आपको बात एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने टेलीग्राम को आपको दिन 3:18 पर भी डाल दिया था कि येस्टरडे बाइंग 20 लाख शेयर बाय इन्वेस्टर विद बल्क डील और मे बी टुडे आल्सो बाइंग मोर 20 लाख। तो यहाँ पर मैंने आपको डाला था कि आज भी लग रहा है कि फिर से कोई 20 लाख शेयर बाय कर रहा है। दोस्तों वहां पर 20 लाख शेयर डले हुए थे बट फिर मार्केट में टाइम कम रह गया तो उनको वो पूरे के पूरे शेयर नहीं मिले। तो हो सकता है कि मंडे को फिर से इसमें और बाइंग की जाए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पर। मैंने अभी आपको देखिए दो मेन रीजन बता दी थी बेसिक फंडामेंटल में कि क्यों ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई बना रहा है। ये आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसका ये हाई था और ये अभी लास्ट वीक में ब्रेक हाई कर दिया और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास है। और देखिए बिल्कुल क्लोजिंग वहीं पर जाकर आई है जहां यस्टरडे इसका हाई जो बना था 94 का और 93.10 पर क्लोजिंग मिली है। और अभी आप देखोगे कि स्टॉक ये देखिए कि इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ अपसाइड में चलता जा रहा है। और आप देखोगे कि यहाँ पर जब मैंने 43 के पास आपको कमेंट किया था तब ये दोस्तों ये लेवल ब्रेकआउट हो रहे थे, तब वहां पर हमें दोनों सिग्नल मिल गए थे, चार्ट पर भी ब्रेकआउट का और डाटा पॉइंट प्रमोटर की स्टेक इंक्रीज कर रहे, तो दोनों यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गए थे, इसलिए वहां पर मैंने आपको 40 के प्राइस पर ये रिकमेंड किया था। और आप एक बार मंथली चार्ट भी देख सकते हो कि आप ये देखिए कि ये इसका 2018 में हाई था 66 के पास, तो यही हमारे जो उस टाइम के टारगेट थे 65 एक बार के लिए। तो अभी ये देखिए इन लेवलों के ऊपर निकल चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है और ये बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। मार्केट में जहाँ गिरावट है और ये लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। बट आप इसका दोस्तों ये देखिए अब ये डेली के चार्ट भी देखिए, देखिए यहाँ पर जब ये लगातार 3 कैंडल बनी और यहाँ पर ये देखिए 72 तक गया और फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, एक मतलब करेक्शन भी आई। तो आप करेक्शन को देखिए कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन लगाइए ये देखिए, तो यहाँ पर ये करेक्शन से फिर निकल कर स्टॉक फिर से एक रेंज के अंदर चलना स्टार्ट रहा और काफी समय रहा और अब फिर से इसमें ब्रेकआउट मिल गया। तो दोस्तों अगर मंडे को ज्यादा इसमें गिरावट नहीं देखने को मिलती है, मतलब मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो ये हो सकता है कि ये स्टॉक अगर तो ये यहाँ पर 94 को क्रॉस कर ऊपर की साइड चढ़ना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के आपको 5-10-15 मिनट में ही एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता है, तो वहां पर अपना बीटीएसटी ट्रेडर अपने प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर नीचे जाता है स्टार्टिंग के मिनटों में और नीचे से फिर आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर इंट्राडे अगर आप सिग्नल कैच कर पाते हैं तो नीचे से फिर से अगर वो अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट होता है तब फिर आप उसमें बाइंग कीजिए। अब मैं आपके सामने 5 मिनट का चार्ट आपके साथ ये लगा रहा हूँ, आप देखिए ये फ्राइडे वाले दिन भी देखिए, इसमें पहले थर्सडे वाले दिन ये देखिए काफी अच्छी मूवमेंट मिली और फ्राइडे वाले दिन ये देखिए ऊपर खुला फिर ऊपर से फिर नीचे आया और नीचे से फिर जो पुराने वाला इसका ये देखिए ये सपोर्ट लेवल था यहाँ से वापिस फिर से ये ऊपर गया। तो दोस्तों ऐसे आप इंट्राडे में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कल अगर आपने मंडे को ये देखिए ऊपर आपको 1 साइडेड ही अगर 100 के टारगेट मिल जाते हैं तो बीटीएसटी ट्रेडर वहां पर बुक कीजिए, और अगर ये आपको नीचे मिलता है इन लेवलों के आसपास 86 के 85 के लेवल के आसपास मिलता है वहां से बाउंस बैक करके ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें फ्रेश खरीदारी कीजिए। दोस्तों आप जब भी इंट्राडे में कभी बाय करते हो तो ऐसे जब स्टॉक गिर रहा हो तब उस टाइम बाय मत कीजिए, आपको पहले फर्स्ट सिग्नल मिलना चाहिए कि वहां पर ब्रेकआउट हुआ है। फर्स्ट सिग्नल यहां मिला ब्रेकआउट का उस टाइम बाई कीजिए, फिर सेकंड सिग्नल यहां मिला फिर से उस टाइम बाई कीजिए, तो ऐसे ब्रेकआउट पर आप फिर फ्रेश बाइंग कीजिए। और दोस्तों इसमें खास बात की जब भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है, देखिए पहले यहां पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ,
ये 47 के पास और ये प्राइस द्वारा नहीं आए, यहाँ नीचे करेक्शन आई बट ये वाला प्राइस नहीं आया। अब ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये 70 के पास, तो अब संभावना ये है कि ये 70 का लेवल तो इतनी जल्दी नहीं आता, थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है बट फिर से इसमें ब्रेकआउट की संभावना पूरी रहेगी जब तक कि इसमें जो मैंने आपको बल्क डील शेयर किए हैं कि वहां पर कोई बड़ी सेलिंग ना आ जाए। और आप देख सकते हैं कि इसमें रिसेंटली अभी रिजल्ट भी आए हैं, तो रिजल्ट के आने के बाद थोड़ी करेक्शन आई थी और फिर से इसमें ब्रेकआउट आया था। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के बाद दोस्तों जो मोस्टली एक बड़ा मूवमेंट आता है वो रिजल्ट के बाद आता है, चाहे वो 2 दिन बाद आए 3 दिन बाद आए, उसके बाद ही बड़ा मूवमेंट आता है अगर अच्छे रिजल्ट आ जाए। अच्छे रिजल्ट आने के बाद ये जरूरी नहीं होता कि एक साथ ही मूवमेंट आ जाए, कई बार वो 2 4 दिन लेता है स्टॉक, उसके बाद फिर बड़ी मूवमेंट आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको ट्राई किए हैं अपने बेस्ट तरीके से कि आपको अच्छे से इस चार्ट के बारे में, स्टॉक के बारे में समझ आ जाए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए, मैंने सिर्फ आपको वीडियो एजुकेशन के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।